विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त तक चलेगा, जिसमें योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं विधानसभा सत्र से पहले यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पीडीएफ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त को खत्म होगा। मानसून सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। यूपी सरकार 2024-2025 का पहला अनुपूरक बजट लाएगी। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, क्योंकि विधानसभा सत्र की कार्रवाई पहली बार हो रही है, ऐसे में विपक्ष पूरे जोर के साथ विधानसभा सत्र के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और बाढ़ के हालात का मुद्दा भी उठ सकता है। पेपर लीक पे सवाल उठ रहे थे, पेपर लीक पे पूरी तरह सरकार फेल हो गई, नौजवानों को भविष्य अंधकार में डाल दिया। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि हर जगह हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लूट हो रही है और पूरी अराजकता फैली हुई है और सरकार खुद अधिकारियों और अपने मंत्रियों की लड़ाई में फंसी हुई है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के पीडीए फॉर्मूला अपनाएंगे। दलित या ओबीसी नेता को बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। सपा विधानसभा इंद्रजीत सरोज का नाम रेस में चल रहा है आगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल यादव के नाम भी चर्चा में है। राम अचल, राजभर और त्रिभुवन दत्त के नाम भी चर्चे में है। नेता विपक्ष के नाम पर कई लोगों के नाम की चर्चा तेजी से चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। खास तौर से किसी दलित या ओबीसी चेहरे को नेता विपक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। कई सारे नामों पर समाजवादी पार्टी में चर्चा चल रही है, जिसमें रामचंद्र राजभर, त्रिभुवन दत्त, शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रमुख है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर फैसला कब तक लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।